मैं हुसैन सुल्तान, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक फिर एक नई खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज की हमारी खास खबर ये है। चलिए, ऐसा है कि कई बार कई दिन से मुमरा इंग्लिश स्कूल के बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो हमसे मुलाकात कर रहे थे कि सर हमारी फ़ीस कम से कम 3 महीने की माफ़ की जाए। हम कई बार आकर के यहाँ पर मुलाकात किए प्रिंसिपल से और कई बार हमारी बातचीत हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो हमारी उनसे ये बात हुई थी कि अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो आप अपनी ट्रस्टियों को बुलाइए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बोलने पर ट्रस्टी यहाँ पर मौजूद थे और आए। आज हमारी उनसे बात हुई और उनको हम लोगों ने 45 लोगों की लिस्ट दिया था, जो हमारे को यहाँ के जो स्कूल में जो बच्चे जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो पेरेंट्स ने, हमने 45 लोगों की एक हमको लिस्ट दिया था। हमने वो लिस्ट ट्रस्टीज़ को दे दिया है और हमारी बहुत सारी बातें हुई उसमें। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट और किया कि जो अगर आपने फ़ीस बढ़ाया है क्या, तो उन्होंने कहा हमने 1 रुपया फ़ीस नहीं बढ़ाया है और ना हम फीस बढ़ाएंगे। दूसरी बात, हमने उनसे एक चीज़ और कही कि जो लोगों की फ़ीस बैलेंस है आप उनको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनको रिजल्ट भी प्रोवाइड कराएंगे। क्या मतलब है, किस लिए दिए? हमने ये 45 लोगों के लिए सिद्ध दिए कि इनकी कम से कम 3 महीने की फ़ीस माफ़ की जाए और टर्म फीस माफ़ की जाए। तो उन्होंने ये हमसे वादा किया है कि हम उनको माफ़ करने के लिए उन्होंने हमसे ये कहा है कि आप हमको लिस्ट दे दीजिए, हम ट्रस्टीज़ के और जो भी लोग हैं हम मिल करके हम लोग उस पर एक डिसीजन लेंगे और इंशाल्लाह आपको 1-2-4 रोज़ के अंदर आपको हम जवाब दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ और बता दूँ इस्लामुद्दीन भाई और हुसैन भाई, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारी फ़ीस बैलेंस है और हमको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो ये एकदम गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग वहाँ जाइए, प्रिंसिपल को मिलिए। हमने एकदम स्ट्रिक्टली कहा है कि आपकी टीचर अगर किसी से रूडली बात करती हैं तो वो बिल्कुल बात ना करें, किसी से गलत बात ना करें। जो बहनें अपना टाइम निकाल करके यहाँ पर आती हैं, आप अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए लाती हैं, वो लोग अगर आपके पास आती हैं तो आप लोग उनको कायदे से समझा करके भेजें। फ़ीस इंस्टॉलमेंट करके भरे लोगों से हमने ये अपील की है और टर्म फीस माफ़ करने की बात कही है और भी हमने कहा कि आप फीस को बिल्कुल मत बढ़ाइए। ये सारी बातें हमारी उनसे मैंने मना किया था, बोला आप लोग बाहर रुकिए मैं बात करके आता हूँ। आज मैंने इनको मना किया था, मैंने अभी सारी बातें इनकी रख दिया, जो इनकी दिल की बात थी, जो इनके प्रॉब्लम से रख दिया, मैंने कह दिया है प्रिंसिपल से और आप लोगों से, मैं पेरेंट्स लोगों से, तमाम मुमरा स्कूल या कोई भी स्कूल के भी जो पेरेंट्स हैं, मैंने उनसे कह दिया है कि आप मुमरा स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो लोग जो भी कंप्लेन है उनको लिखित कंप्लेन दें और 1 हफ्ते के अंदर आप उनको रिप्लाई देंगे कि आपने इस पर क्या एक्शन लिया है। अगर एक्शन नहीं लिया है तो ट्रस्टी ने मुझसे कहा कि जफर भाई आप मेरा नंबर रखिए और उसके बाद मुझे कॉल करिए, उसके बाद जो भी टीचर या जो भी स्टाफ हमारा बदतमीजी किसी से कुछ करता है हम उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। ट्रस्टी ने कहा है कि इसके ऊपर हम डिसीजन करके आपको बताएंगे और हमें चाहिए कि हमारे घर में तो चूल्हा नहीं जल रहा है। आपको पता है कि फैक्ट हमारा ये मार्च से है ना लॉकडाउन है, लॉकडाउन से है ना, जब से लॉकडाउन है तो ट्रेन भी बंद है, बस भी बंद है और काम भी बंद है। तो हमारे घर में तो ऐसी हर चीज़ की तंगी है, कड़की है, और तो उसमें बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? जब घर में आमदनी नहीं रहेंगे तो फीस कहाँ से? और जब ये शुरू में रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हमारे साथ आ रहे हैं, अभी ट्रस्टी को भी बुलाया गया है, अभी ट्रस्टी देखिए क्या डिसीजन लेती है। बोल तो हमारी तो मांग थोड़ी ज़्यादा ही थी पर अल्लाह का शुक्र है उसने ही मान ले तो बहुत बड़ी बात है। अगर हिसाब से चल रहा है हमारा, फीस नहीं भर हम सकते, हम लोग लॉकडाउन है, घर में पैसे नहीं है, भाभी ने बताया राशन का प्रॉब्लम है, तो 2-3 दिन बच्चों की फीस कहाँ से करेंगे? अब ये कह रही कि 600 रुपया मंथली हमको दो, वो भी हमारे लिए गलत है, लेकिन अभी अब उसका एक्शन हम कैसे लें? उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी 2-3 दिन बच्चे, मोबाइल चाहिए, वाईफाई चाहिए, इन्होंने ये हरकत की है। इसी तरह की और भी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। देखते रहिए रणभूमि न्यूज़। रणभूमि न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुँचती रहे।